नमस्ते द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक ड्राइव्स तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव या फिर विद्युत ड्राइव की ऊर्जा संचरण युक्ति या फिर पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर को सप्लाई प्रदान करती हैं जिससे कि वो काम करती हैं और हमारी होती है वर्किंग मशीन्स वर्किंग मशीन यानी कि कार्यकारी मशीन जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को पूर्ण करती है यानी कि उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण करती है तो एक इलेक्ट्रिक मोटर एक कंट्रोल सिस्टम और एनर्जी ट्रांसमिशन डिवाइस ठीक है तीनों मिलके इलेक्ट्रिकल ड्राइव या फिर विद्युत ड्राइव का निर्माण करते हैं इट मीन्स दैट अ इलेक्ट्रिक मोटर अ कंट्रोल सिस्टम एंड अ एनर्जी कन ट्रांसमिशन और कन्वर्जन डिवाइस मेक्स अ इलेक्ट्रिक ड्राइव तो देयर आर सम एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के कुछ लाभ द फर्स्ट एडवांटेज इट हैज़ लॉन्गर लाइफ इजी टू कंट्रोल रिलायबल एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि इसका जीवन काल उच्च होता है इनका नियंत्रण सरल होता है ये विश्वसनीय होती है और इनकी जो रख रखाव हो या मेंटेनेंस होता है वो बहुत सस्ता होता है द नेक्स्ट इज़ प्रवर्तन एवं गति नियंत्रण सरल रहता है यानी कि दे आर इज़ी टू स्टार्ट एंड इजी टू मेंटेन एंड देयर स्पीड कंट्रोल इज आल्सो इजी नेक्स्ट स्वचालित नियंत्रण यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोल देर आर ऑल्सो सम डिसडवाटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स लाइक इट इज़ ऑल्सो इट इज़ ओनली पॉसिबल इन इन इलेक्ट्रीफाइड एरिया यानी कि इनका उपयोग हम केवल इलेक्ट्रीफाइड क्षेत्र में कर सकते हैं इफ़ द सप्लाई फेल द होल सिस्टम कम्स टू स्टैंड स्टिल अगर सप्लाई आनी कहीं से बंद हो जाती है तो सारी मशीन रुक जाती है देर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड यानी कि इसके बाद हम बात करवा रहे हैं इसमें कंडक्टाइज्रिकल शॉर्ट सर्किट होने की पूरी संभावना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती कल ड्राइव इंडिविजुअल ड्राइव में हर मशीन और हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग प्राइम मूवर से ऑपरेटेड होता है यानी कि इस प्रकार की ड्राइव में प्रत्येक मशीन और प्रत्येक उपकरण अलग अलग मुख्य चालक द्वारा या आदि चालक द्वारा प्रचालित होता है इसलिए जो इनकी कॉस्ट होती है वो अकॉर्डिंग टू ग्रुप ड्राइव इज़ वेरी हाई यानी कि इनकी जो लागत होती है वो समूह चालन की तुलना में बहुत अधिक होती है इसका लाभ यह है कि प्रत्येक ऑपरेटर का मशीन पर पूर्ण नियंत्रण रहता हैं यानी कि एवरी ऑपरेटर हैज़ फुल कंट्रोल ऑन हिस मशीन मशीनों को इच्छित स्थान पर स्थापित किया जा सकता है और इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है यानी कि वी कैन इंस्टॉल डिवाइस एट एनी प्लेस एंड वी कैन रोटेट ऑल्सो इनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर कॉन्स्टेंट स्पीड और रिपीटेबिलिटी की आवश्यकता होती है यानी कि देर आर यूज वेयर कॉन्स्टेंटनेस एंड कंटिन्यूटी इज रिक्वायर्ड द नेक्स्ट वन इज ग्रुप ड्राइव तो इन अ ग्रुप ड्राइव अ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव द लाइन शाफ्ट एंड द लाइन शाफ्ट ऑपरेट द वेरी लार्ज नंबर ऑफ मशीन्स सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइन शार्ट ड्राइव बिकॉज हो द होल लाइन इज ड्राइवन बाई अ शाफ्ट सो दिस इज़ कॉल्ड लाइन शाफ्ट ड्राइव लॉन्ग शाफ्ट जो होती है हमारी इसको हम स्टेप पुल और बेल्ट के साथ फिट करते हैं यानी द लॉन्ग शाफ्ट इज़ फिटेड विद द हेल्प ऑफ स्टेप पुली एंड द बेल्ट विच इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज टू ड्राइव द इंस्टॉल्ड मोटर इन इंडस्ट्री यानी कि जिसका प्रयोग हम उद्योगों में स्थापित मशीनों को चलाने में कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव के प्रकार द फर्स्ट टाइप इस इंडिविजुअल ड्राइव यानी कि एकल ड्राइव